यूपी के 37 जिलों में नगर निकाय चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हो गया, लेकिन कुछ एक घटनाएं 2023 नगर निकाय चुनाव चंदौली के इतिहास में ना भूलने वाला स्तंभ बनकर दर्ज हो चुका है। भारी गहमा गहमी और फर्जी मतदान के आरोप प्रत्यारोप के आरोपों के बीच संपन्न हुए इस चुनाव में उस समय बड़ा मोड़ आया जब फर्जी मतदान करवा रहे सपा नेता ने अपना आपा खो दिया। वे शायद ये भूल बैठे थे कि ये बाबा की सरकार है। फर्जी मतदान करा रहे सपा नेता का सिंघम की शख्सियत से मशहूर सीओ अनिरुद्ध सिंह ने उलझना उन्हीं पर भारी पड़ गया। मर्यादा की सीमा लांघ चुके सपा नेता सिंघम के पड़े छन्नाटेदार थप्पड़ से चारों खाने चित हो गए। तत्काल मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद भी उनकी हेकड़ी जब खत्म नहीं हुई तो पुलिस उन्हें घसीटते हुए कोतवाली ले आई। घटना के बाद सपाइयों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में सपाई मुगल सराय कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटने लगे तो पुलिस ने भी सभी को कोतवाली के बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ सपा नेता और अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। बता दें कि निकाय चुनाव के मद्देनजर PDDU नगर सुरक्षा व्यवस्था की कमान CO अनिरुद्ध सिंह को सौंपी गई थी। वैसे भी वे इसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी हैं। सुबह से दोपहर तक जारी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा था कि इसी बीच वोटिंग खत्म होने के दौरान मैनाताली में सपा सभासद प्रत्याशी राजेश जायसवाल उनके पुत्र द्वारा फर्जी वोटिंग किए जाने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जब ऐसा करने से रोका तो वे पुलिस से उलझ पड़े। इतना ही नहीं, प्रत्याशी के समर्थन में उमड़ी बड़ी भीड़ ने भी मौके जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। मौके पर जब CO अनिरुद्ध सिंह ने पहुंचकर स्थिति संभालनी चाहिए तो राजेश जायसवाल का भतीजा और पूर्व चेयरमैन का पुत्र अखिलेश CO से ही उलझ पड़े। अमर्यादित टिप्पणी और भाषा की जब इंतहा हो गई तो सिंघम ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बहरहाल सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध सिंह का ये एक्शन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं सपा नेता इसे भाजपा सरकार की दादागिरी बता रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की और भी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर।